हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर के बारे में। इसका टाइटल है टस्क। सबसे पहले हम लोग इसके टाइटल यानी टस्क को समझने की कोशिश करते हैं। टस्क का मतलब होता है शाम का वह समय जब सूर्य डूब चुका होता है और वहां लगभग अंधेरा छा चुका होता है। अब ये पूरी कहानी बस एक शाम के समय हुई घटना को दिखाती है, इसलिए इस स्टोरी का नाम डस्क रखा गया है। इस कहानी के जरिए हमारे समाज पे व्यंग किया गया है, तो इस कहानी में क्या व्यंग्य है और क्या ट्विस्ट है ये हमें इसके एंड में पता चलेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऑथर के बारे में। इसके ऑथर हैं H.H. मनरो, जो कि एक स्कॉटिश जर्नलिस्ट और राइटर भी हैं। इनका पेन नेम साकी भी है, आप लोगों ने सुना होगा। इनकी ज्यादातर कहानियां समाज पर व्यंग्य करती हुई नजर आती है, मतलब हमारे समाज के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालती है। इन्हें शॉर्ट स्टोरीज का मास्टर भी कहा जाता है। अब इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है आप लोगों को ये स्टोरी पढ़ने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले हैं नॉर्मन गॉड्सबाय, जो कोई 50-60 साल के बूढ़े आदमी हैं। दूसरे एक और बूढ़े आदमी जो 60-70 साल के हैं, इनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। और तीसरे हैं एक 25-30 साल का यंग आदमी। ये पूरी कहानी इन्हीं तीनों के ऊपर लिखी गई है, तो आइए शुरू करते हैं इसे। कहानी में सबसे पहले नॉर्मन गॉड्सबाय को दिखाया जाता है। मार्च का महीना था, शाम के 6:30 बज रहे थे और शाम हो चुकी थी। नॉर्मन गॉड्सबाय वहीं एक पार्क में बेंच पर बैठे हुए थे। रोड और फुटपाथ पूरी तरह खाली थे। यहाँ पे साइडवॉक का मतलब हुआ फुटपाथ, और बस कुछ ही साइलेंट फिगर यानी वैसे लोग जो वहाँ प्रेजेंट तो थे, लेकिन इतनी शांति से चल रहे थे या फिर बैठे हुए थे कि उन्हें मूव करते हुए देख पाना बहुत मुश्किल था। वे सब इतने स्थिर थे कि डार्कनेस में उन्हें देख पाना आसान नहीं था। एक्चुअली वहाँ जो भी लोग थे वे सब काफी ज्यादा शांत थे। उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन सब ने अपने लाइफ में बहुत कुछ बुरा देखा है, बहुत स्ट्रगल की है, और वे सब कुछ पल की शांति के लिए ही वहां पे आते थे। नॉर्मन के चेहरे पर उनके लिए सहानुभूति थी। नॉर्मन वहीं बेंच पर बैठे बैठे सोच रहे थे कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल के समय बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा और मात खाई होगी, तभी इनके चेहरे ऐसे फीके पड़े हुए हैं। और वहीं से कुछ दूरी पर रोड के दूसरे साइड पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जिनसे चमकदार झिलमिलाती रोशनी आ रही थी। नॉर्मन सोच रहे थे कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल के दौरान शायद ही कभी हार देखी होगी, हार का सामना किया होगा, इसीलिए ये सब इतने खुश हैं। नॉर्मन ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि उन्हीं के एज का एक बूढ़ा आदमी आके उनके बगल में बैठ जाता है, लेकिन उनके फेस पर एक अलग ही भाव था। उनके कपड़े ना तो फटे चिटे थे और ना ही कोई उनसे ऐसी उम्मीद कर सकता था कि वे अपने बटन होल्स में फ्लावर लगा के चले। 19th और 20th सेंचुरी में ये फैशन हुआ करता था कि लोग अपने बटन होल्स में फ्लावर लगा के चलते थे। अब जैसे ही वे बूढ़े आदमी अपने घर की ओर जाने के लिए उठते हैं, नॉर्मन ऐसा इमेजिन करते हैं कि वे ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे उनकी कोई केयर नहीं करता, उनके बारे में कोई पूछता भी नहीं है। वो बूढ़ा आदमी उठता है और अपने रास्ते चला जाता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है, उनकी जगह पर एक यंग आदमी आके बैठ जाता है। उसके कपड़े काफी अच्छे खासे थे, पर उसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा दुखी हो, और जैसे ही वो सीट पे बैठ रहा था वो खुद में कुछ गुस्से में बड़बड़ा रहा था। ये देखकर गॉड्सबाय उनसे पूछते हैं, तुम्हारा मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर वो यंग आदमी गॉड्सबाय की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप भी किसी अच्छे मूड में नहीं होते। मैंने अपने जीवन का सबसे बेवकूफी भरा काम आज किया है। तो गॉड्सबाय उनसे पूछते हैं, क्यों ऐसा क्या कर दिया तुमने? फिर वो यंग आदमी अपनी पूरी कहानी नॉर्मन गॉड्सबाय को सुनाना शुरू कर देता है। वो बोलता है
मैं आज दोपहर में लंदन आया। मैंने बर्कशायर स्क्वायर के पैटागोनिया होटल में रहने का सोचा, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे वो होटल ही नहीं था। उस होटल की जगह पर एक सिनेमा थिएटर बन गया था। फिर टैक्सी ड्राइवर ने मुझे एक दूसरे होटल में पहुँचा दिया जहाँ पर कि मैं रह सकता था। फिर मैंने अपने जान पहचान के लोगों को अपना एड्रेस लिखकर भेज दिया। फिर मैं होटल से साबुन खरीदने बाहर गया, क्योंकि मैं घर से अपना पर्सनल साबुन ले जाना भूल गया था और मुझे होटल के साबुन यूज करना पसंद नहीं था। फिर मैं एक बार में भी गया, वहाँ पे कुछ ड्रिंक ली और फिर वहाँ से दुकान गया। फिर जैसे ही मैंने होटल वापस आने की सोची, मुझे महसूस हुआ कि मैं होटल का नाम भूल गया हूँ। यहाँ तक कि वहाँ जाने का रास्ता भी पूरी तरह भूल चुका हूँ। लंदन में मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने जान पहचान के लोगों को लेटर लिखकर एड्रेस तो पूछ सकता हूँ, लेकिन मेरा लेटर उन्हें कल ही मिलेगा। और अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि मेरे पास एक रुपए भी नहीं है। मैं तो होटल से सिर्फ एक सीलिंग लेके निकला था, जो सोप और ड्रिंक खरीदने में खर्च हो गए। सीलिंग एक तरह की करेंसी है जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन में किया जाता था। अब मैं 2 पेंस के लिए भटक रहा हूँ ताकि मैं अपनी रात कहीं गुजार सकूं। पेंस इंग्लैंड की करेंसी को कहा जाता है। स्टोरी ऐसे ही चलती जा रही थी। तभी वो यंग आदमी थोड़ा रुकता है और उनसे कहता है, मतलब नॉर्मन गॉडस्पाई से कहता है, मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही कोई कहानी बता रहा हूँ। तो गॉडस्पाई कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे याद है कि मैंने भी ऐसा सेम काम फॉरेन कैपिटल में किया था। मतलब नॉर्मन गॉडस्पाई के साथ भी ऐसा पहले हो चुका था, लेकिन उस वक्त हम लोग 2 थे, मतलब एक नॉर्मन गॉडस्पाई और उनके कोई साथी उनके साथ थे। हमें इतना याद था कि होटल एक छोटे से कैनाल के बाद था। हमने जैसे तैसे उस कैनाल को खोजा और फाइनली होटल पहुंच गए। ये सुनकर वो यंग आदमी कहता है कि फॉरेन सिटीज में कोई भी एड्रेस ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता, वहां पर कंसल से जाके मदद मांगी जा सकती है। कंसल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे अपनी कहानी किसी को सुनाई तो कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा, ना ही कोई मुझे कुछ पैसे देगा। लगता है मुझे आज अपनी रात किसी नदी के किनारे ही बितानी पड़ेगी। फिर पता नहीं गॉडस्पाई के दिमाग में क्या आया, उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास वो साबुन है जो तुमने खरीदा था? ये सुनकर वो यंग आदमी अपने पॉकेट में कुछ ढूंढने लगता है। फिर अचानक से खड़ा हो जाता है और धीरे से गुस्से में बोलता है, लगता है मैंने उसे भी खो दिया। गॉडस्पाई फिर उनसे कहते हैं, तुम्हारी कहानी में सबसे वीक पॉइंट यही था कि तुम एक साबुन नहीं ला पाए। होटल और साबुन दोनों एक साथ खोना कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये सुनकर वो यंग आदमी वहां से भाग जाता है। उस यंग आदमी के जाने के बाद गॉडस्पाई स्माइल करते हुए सोचते हैं कि इसने कहानी तो काफी अच्छी सुना दी, इतनी लंबी चौड़ी सुनाई, अपनी स्टोरी में साबुन भी ला दिया, लेकिन वो रियल लाइफ में साबुन नहीं ला पाया। अगर वो एक साबुन ले आता तो वो अपने झूठ बोलने के प्रोफेशन में जीनियस हो जाता। अब गॉडस्पाई जैसे ही वहां से जाने के लिए खड़े होते हैं, वो अचानक से बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वहीं जमीन पे बेंच के नीचे साबुन का पैकेट पड़ा हुआ था। अब गॉडस्पाई यही सोचते हैं कि शायद ये साबुन उसी यंग आदमी के कोट से गिर गया होगा जब वो बैठने के लिए यहाँ झुका होगा। फिर तुरंत उसी क्षण गॉडस्पाई उसी दिशा में जाने लगते हैं जिस दिशा में वो यंग आदमी गया था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वो यंग आदमी दिख जाता है। गॉडस्पाई उन्हें बुलाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि तुम्हारी कहानी का सबसे बड़ा सच और सबूत सामने आ गया है, और उसे वो साबुन का पैकेट दिखाते हैं। फिर उससे कहते हैं, जब तुम बैठने के लिए वहाँ पे झुके होगे तो शायद ये तुम्हारे कोट से गिर गया होगा। मैंने तुम्हारी कहानी का यकीन नहीं किया, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन इस साबुन के मिलते ही सारी चीजें चेंज हो गई है। अब मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दूं तो शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहाँ पे सॉवरेन का मतलब हुआ ब्रिटिश ओल्ड कॉइन, जिसका वैल्यू लगभग 1 पाउंड के बराबर होता है। जैसे ही गॉडस्पाई उसे कॉइन देते हैं, वो फटाफट उसे ले लेता है और अपने पैकेट में डाल लेता है। फिर गॉडस्पाई उसे एक कार्ड देते हैं और कहते हैं,
ये लो मेरा कार्ड, इसमें मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। इस हफ्ते में किसी भी दिन तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और ये लो अपना साबुन, इसे दोबारा मत खोना, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर वो यंग आदमी गॉड्सपाई से कहता है, अच्छा हुआ आपको ये मिल गया। फिर उन्हें थैंक करता हुआ वहां से चला जाता है। फिर गॉड्सपाई खुद से कहते हैं, बेचारा आदमी, जब मैंने इसके कहानी पे यकीन नहीं किया होगा तब तो ये टूट ही गया होगा। गॉड्सपाई इसके बाद अपने घर जाने के लिए मुड़ते हैं और वापस उसी रास्ते से होते हुए गुजरते हैं जहाँ पे सारा ड्रामा हुआ था। मतलब ये पूरी कहानी जहाँ पे बोली गई थी, वो वहाँ से उसी पार्क से होते हुए जाते हैं। तभी वो वहाँ पे देखते हैं कि वही बूढ़ा आदमी जो पहले उनके बगल में आके बैठा था, वो अपने छड़ी से जमीन पे कुछ ढूंढ रहा था। तो नॉर्मन उनसे पूछते हैं, सर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या कुछ खो गया है? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ मैं अपना साबुन ढूंढ रहा हूँ। तो आप लोग ये कहानी पढ़कर समझ गए होंगे कि ये हमें हमारे समाज का आईना दिखाती है, कैसे एक यंग आदमी झूठ बोलकर एक बूढ़े आदमी से पैसे ऐंठता है। इस कहानी में ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो यंग आदमी अच्छे काम या फिर बुरे काम के लिए पैसे लेता है, पर रीजन जो भी हो, उसने इतना लंबा चौड़ा झूठ तो बोला था। इस कहानी में हमें एक आयरनी भी दिखाई गई है उस सोप केक को लेकर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयरनी कहते किसे हैं। हम सोच कुछ और रहे होते हैं लेकिन रियलिटी होती कुछ और है, यही है आयरनी। आयरनी एक तरह की लिटरेरी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसी भी लाइन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो नॉर्मन ने भी यही सोचा था कि वो सोप उस यंग आदमी का होगा, पर रियलिटी में तो वो उस बूढ़े आदमी का था। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।